Click on the subscribe button to never miss an update from Prime Movies channel. था ना मुराद? आज मोहम्मद गौरी का ये मुल्क दुनिया का सबसे बलवान और रईस मुल्क है। ऐ मेरे आईनाए रायजनी, मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ। दिखाओ दुनिया के सबसे अमीर मुल्क गजनी को। Thank you.
कौन सा मुल्क है ये जहां दूध की नदियां बह रही हैं, जिसके खजाने में इतनी अशरफियां हैं। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? अगर हिंदुस्तान की सारी दौलत लूट कर मैं गजनी ले आऊं तो मेरे गजनी को भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा। मोहम्मद गौरी, इस सोने की चिड़िया को लूटना आसान नहीं। मेरी राय मानो तो आप इस... खामोश! मोहम्मद गौरी किसी की राय नहीं लेता। उल्लू की औलाद, 9999 बार तेरे से कहा है, जाते हुए मत टोका कर मुझे, फिर तूने आज टोक दिया। हिंदुस्तान नाम की सोने की चिड़िया को लूट कर वहां की सारी दौलत बटोर कर अपने मुल्क गजनी ले आऊंगा। जाबाद सिपाहियों, आज तक हमने बड़े बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना सब राज्यों के खजाने को मिलाकर भी नहीं होगा। अगर हम ये खजाना लूट कर अपने मुल्क भजनी ले आएंगे तो हमारा मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन जाएगा। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की तरह दूध की नदियां बहेंगी। सिपाहियों सब तैयार हो जाओ दिल्ली पर हमला करने के लिए। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, चलो दिल्ली। शाबाश मेरे शाबाश सिपाहियों, हम कल ही कूच करेंगे। बहुत बढ़िया सिपाहियों, लगे रहो, अपने बाजुओं में इतनी शक्ति भर लो कि तुम्हें देखते ही मोहम्मद गौरी की सेना की धोती ढीली हो जाए। सेनापति जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ऐसी तलवार चलाएंगे कि शत्रुओं की धोती ढीली नहीं हुई तो भय के मारे गिली अवश्य हो जाएगी। एकदम पते की बात कही है तुमने। गौरी को पता चल जाना चाहिए कि जब जब विदेशियों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए कदम बढ़ाया है, तब तब हम वीरों ने उनके हाथ पांव तोड़कर उन्हें उनकी नानी याद दिला दी है। आए खूंखार सिंह, मूर्ख, सब सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ बैठा पान लगा रहा है, हा? सरकार, मैं भी तो युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। घनचक्कर, पान लगाकर क्या तू युद्ध जीत जाएगा? जी हाँ सरकार, क्योंकि ये कोई मामूली पान नहीं है। क्या मतलब? मतलब सरकार, इस पान में एक बहुत ही खास चीज मिलाई गई है। अच्छा, हम भी तो चेक कर देखें कि तुमने इसमें क्या खास चीज मिलाई है। अरे अरे सरकार, ये पान आपके लिए नहीं है, शत्रुओं के लिए है। ये खास पान सबसे पहले शत्रु नहीं, हम खाएंगे। नहीं, अरे 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 सरकार। वाह, क्या पान है, खाते ही ये पेट में गुड़गुड़ की आवाज कहां से आने लगी? इसमें मेरा दोष नहीं, मैंने तो मना किया था सरकार को खाने से। खूंखार सिंह बदमाश, सच सच बता, इसमें कौन सी खास चीज मिलाई थी? जमाल घोटा। क्या, तूने मुझे जमाल घोटा खिलाया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहीं भैंस पानी में क्या हुआ सरकार? पानी है? हाँ हाँ, लीजिए।
जल्दी कीजिए सरकार, कहीं देर ना हो जाए। तू ये तलवार पकड़, मैं अभी आता हूँ। खूंखार सिंह का वार कभी खाली नहीं जाता। थर थर पत्तों जैसे कांपे, कांपे कांपे शत्रुओं के प्राण। क्यों हिला रहा है? क्योंकि कोई मुझसे लड़ता ही नहीं। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि मैं ये पान खाकर लड़ता हूँ। इसे खाकर मैं बलवान हो जाता हूँ और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता हूँ। तब तो इस पान को मैं खाऊंगा। इधर ला। अब मैं तेरे छक्के छुड़ाऊंगा। क्या हुआ? क्यों रुक गए? तू रुक, यही रुक। मैं अभी आता हूँ। खूंखार सिंह से पंगा, जो मुझसे टकराएगा पेट पकड़कर भाग जाएगा। कैसा है भैया? ये क्या? ओ मेरे गोटे जमाल, दिखा दे अपना कमाल। ये भी गया। किसका सांस किसका दर बढ़ पाए जो आगे, सुरपुर को जाए शत्रु का तुम दबा के भागे, सामने अपने देख बड़ा वीर अटल चक्र। हमें नहीं लड़ना पृथ्वीराज की सेना से। आपको भी अपनी जान बचानी है तो आप ही लौट चलो यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं। कायरो रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो यहाँ से? अरे भाईजान,
शक्ति से भरे पान को खाकर हमारे सैनिक तुम्हारी सेना की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ये पान मुझे दे दे। नहीं दूंगा। दे दे, वरना मैं तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। तो ले ले। अब मैं पृथ्वीराज की सेना की ऐसी तैसी करूंगा। सिपाही सालार, तुम भी सैनिकों के साथ मैदाने जंग छोड़कर भाग रहे हो? जी हुजूर, क्योंकि मुझे दूसरी मैदान की जरूरत आन पड़ी है। रुको, कायर। रुकी तो नहीं सकता सरकार। अगर तुम सभी इसी तरह मैदान छोड़कर भागोगे तो हम जीतेंगे कैसे, सोचा है तुमने? हुजूर, अब तो सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची। ना मुराद, हम हार जाएंगे। हारने को बचा ही क्या है, आधी सेना भाग गई है और आधी सेना दूसरे मैदान में बैठी है। मैं भी चला। उसमें जब तक जान है मैं युद्ध करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। पृथ्वीराज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना बात है, पहले पकड़ तो ले गौरी। पृथ्वीराज चौहान की, तुमने मुझे नहीं अपनी मौत को ललकारा है। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इसे बंदी बनाकर हमारी राज्यसभा में पेश किया जाए। मोहम्मद गौरी, छोटे बड़े राज्यों को जीतकर तुमने सोचा कि तुम दिल्ली जीत लोगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारे जैसे लुटेरे से हार जाए। महाराज, मैं अपनी हार कबूल करता हूं। दिल्ली पर हमला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं पूरे भारतवर्ष का शत्रु है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ये एक लुटेरा है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए और वो दंड है मृत्यु दंड। महाराज, मैंने सुना है कि भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी मुआफ कर देते हैं। ठीक सुना है तुमने, हम अपनी शरण में पड़े शत्रु को कभी नहीं मारते और ना ही किसी निहत्थे शत्रु पर वार करते हैं। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं अगर तुम सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर वादा करो कि तुम फिर कभी भी भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। मैं सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूं महाराज, मैं अपनी बची सेना के साथ वापस अपने मुल्क गजनी चला जाऊंगा और फिर कभी भारतवर्ष को लूटने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है गौरी, हमने तुम्हें माफ किया। इस जान बख्शी के लिए शुक्रिया महाराज। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने उस खुदा का अदा करो जिसकी कसम खाकर तुमने मुझे वचन दिया है। जाओ। महाराज, आपने इसे क्षमा क्यों किया? मोहम्मद गौरी इंसान की नहीं सांप की संतान है महाराज, वो कल न तो दया करेगा और न ही किसी की जान बख्शेगा। ये क्या किया महाराज? चंद्रपाल जी, कल तो कभी आता ही नहीं, यदि वो कल आ भी जाए तो हो सकता है हमें ही ना पाए। अतीत तो एक समाधि होती है और भविष्य किसी ने देखा नहीं, जो वर्तमान है
उसे ही हम जानते हैं। अतीत और भविष्य के बीच में फंसकर हम वर्तमान की खुशियों को क्यों खोएं? आज हमारा विजय दिवस है, खुशियों का दिन। आज दिल्ली में खुशियां मनाई जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चोंच खोलेगा आग उगलेगा। जी तो चाहता है तेरा गला मरोड़ कर खजनी के बाहर उल्टा लटका दूं। पर नमक क्यों छिड़कता है? मैं तो इतना ही कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान के राजा ने गजनी पर हमला बोल दिया तो ना ही गजनी रहेगा ना ही ये महल। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हिंदुस्तान के राजा कभी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करते। इसी का तो फायदा उठाना है बदरू। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से दिल्ली पर हमला करूंगा, फिर से। लगता है इस महल की शानो शौकत छोड़कर मुझे हाथ में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। तो फिर कुछ बोला? नहीं, नाई राइजनी, बता इस बार मैं दिल्ली जीत पाऊंगा कि नहीं? तेरी हार ने तेरी आंखों के सामने अंधकार का पर्दा डाल दिया है, इसीलिए तू भूल गया कि मैं भविष्य नहीं वर्तमान दिखाती हूँ। तो सुन, मैं बताता हूँ मेरा भविष्य, मोहम्मद गौरी का भविष्य। जब तक मैं दिल्ली को जीत नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चाहे उसके लिए मुझे हजारों बार दिल्ली पर हमला क्यों न करना पड़े। जहां पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि में उसकी नानी याद दिला रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक राजा अपनी आन बान और शान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और वो थे कन्नौज के राजा जयचंद। आज हम आप सभी के सामने एक विचार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के सम्राट कहलाएं, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम राजसूय यज्ञ करवाएंगे। परंतु महाराज, आप तो पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाना चाहते थे। अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए इससे अच्छा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। भारतवर्ष के सभी राजा हमारी सभा में उपस्थित रहेंगे। हमारी पुत्री उसी दिन अपना वर चुनेंगी। मंत्री जी, हमारे राजसूय यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण भेज दिया जाए, और हमारी सेना को भी तैयार रहने का आदेश दिया जाए। जो राजा हमें सम्राट मानने से इनकार करेगा,
उसे हमारी सेना नष्ट कर देगी। जो आज्ञा महाराज। और हुआ भी वही, जिन राजाओं ने महाराज जयचंद को सम्राट मानने से इनकार किया उन्हें जयचंद की सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। क्या जयचंद ये जानते नहीं कि उन्होंने किसे ललकारा है? जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि दिल्ली का राजा एक ही है और वो है महाराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की इतनी हिम्मत, हम स्वयं दिल्ली पर हमला करेंगे और उसके अहंकार को चूर चूर कर देंगे। परंतु महाराज, राजसूय यज्ञ की तिथि समीप आ रही है, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। राजसूय यज्ञ और हमारी पुत्री के स्वयंवर की तैयारी की जाए। और हां, पृथ्वीराज का एक बुत बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया जाए ताकि सभी को यह पता चल सके कि दिल्ली का महाराज पृथ्वीराज चौहान हमारा दरबान है। हमारी राजकुमारी कितनी खुश नसीब है, देश भर से शूरवीर राजा महाराजा स्वयंवर में हिस्सा लेने आ रहे होंगे। खुश नसीब तो वो राजा होगा जिसके गले में हमारी राजकुमारी वरमाला डालेंगी। क्यों राजकुमारी जी, ठीक कहा ना मैंने? अरे हमारी राजकुमारी कोई ऐसे वैसे राजा के गले में वरमाला थोड़ी ना डालेंगी। जो राजा सबसे बहादुर सबसे शूरवीर होगा वही हमारी राजकुमारी को ले जाएगा। हाँ हाय, कौन होगा वो खुश नसीब राजकुमार? पृथ्वीराज चौहान। हाँ? क्या? परंतु महाराज तो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने पिताजी के सामने सर झुकाने से मना कर दिया। परंतु मैंने तो सोच लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से। परंतु राजकुमारी जी, मैंने तो सुना है कि महाराज ने उन्हें स्वयंवर का आमंत्रण भेजा ही नहीं है, फिर वो कैसे आएंगे? क्या? वे स्वयंवर में जरूर आएंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगी ना? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ राजकुमारी जी? मेरा एक पत्र महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचाना है। तू अपने पति को मेरे पास भेज दे, मैं उसे सब समझा दूंगी। सुनो, ये पत्र सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान के हाथों में ही देना, ठीक है? जो आज्ञा राजकुमारी जी। और सुनो, उत्तर अपने साथ ही लेकर आना। जब तक मुझे अपने पत्र का उत्तर नहीं मिलेगा मेरे मन को चैन नहीं आएगा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा राजकुमारी जी। हे संयोगिता के दूत, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम इस पत्र के विषय में विचार करते हैं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहां एक पल भी नहीं ठहर सकता क्योंकि वहां राजकुमारी जी अपने इस पत्र के उत्तर में व्याकुल हो रही होंगी। तुम्हारे पति अभी तक नहीं लौटे? आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? वे बस आते ही होंगे राजकुमारी जी। राजकुमारी जी की जय। लीजिए, वे आ गए। जल्दी बताओ, क्या संदेश लाए हो? ये पत्र आपके लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने भेजा है। लाओ मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। दो ना। वे
आएंगे। तुमने सुना? वे जरूर आएंगे। मुझे पता था, मैंने कहा था ना वे आएंगे। मुझे पता था वे आएंगे। वे आएंगे, वे आएंगे। चांद, हमने संयोगिता को वचन दिया है कि हम कन्नौज अवश्य आएंगे। परंतु महाराज, ये कैसे संभव होगा? जयचंद आपको कन्नौज में प्रवेश नहीं करने देगा। हम जानते हैं, परंतु वे तुम्हारे जैसे विद्वान को कन्नौज में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। तुम कन्नौज जाने की तैयारी करो। परंतु तुम्हारे साथ हमारी सेना के 100 बहादुर सिपाही होंगे, तुम्हारे सेवक के रूप में। लेकिन महाराज, आपका कन्नौज में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। हम भी तुम्हारे साथ ही कन्नौज में प्रवेश करेंगे, लेकिन एक महाराज की तरह नहीं, तुम्हारे खास सेवक के रूप में। चांद, अब चलने की तैयारी करो। 2001 2051 5000। अरे वाह वाह वाह, मेरे सीकड़ी पहलवान जी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे अरे संभाल कर, हड्डी चटक जाएगी। मेरे दोस्त खूंखार सिंह आज सवेरे सवेरे कसरत कर रही है। क्या राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की पहरेदारी करने जा रही है? अबे लल्लू, तू जानता है राजकुमारी संयोगिता किसके गले में वरमाला डालने वाली है? किसके? मेरे। चुप चुप, मजाक कर रही है? आज तक तूने ऐसा कौन सा खंभा उखाड़ा है जो राजकुमारी संयोगिता उन वीरों को छोड़कर तेरे गले में वरमाला डालेगी? अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं? पर सुन, तुझे क्या लगता है गौरी की सेना महाराज पृथ्वीराज चौहान के डर से भागी है? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे पान का कमाल है। ये बात सारा हिंदुस्तान जानता है, और तू पूछता है क्या किया है मैंने? अच्छा, बहुत उड़ रही है, इतना है दम, तो इसे उठा के दिखाओ। है? बोला भी तो क्या बोला? पर्वत बोलता, पहाड़ बोलता, अरे ये भी कोई उठाने की चीज है? वाह मेरे मिट्टी के शेर। महाराज, हम यहाँ पर इस तरह अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते। आपको शीघ्र ही राजकुमारी संयोगिता से मिलना चाहिए। महाराज की जय। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपको नीचा दिखाने के लिए महाराज जयचंद ने आपका बुत बनाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा करवा दिया है। महाराज जयचंद ने भारतवर्ष के राजाओं के सामने हमारा अपमान किया है। कल स्वयंवर में उन्हीं राजाओं के सामने हम उन्हें नीचा दिखाएंगे। हमारे सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दो। महाराज, आप आज्ञा दें, हम आपके इस अपमान का बदला महाराज जयचंद को युद्ध में हरा कर लेंगे। नहीं, युद्ध में तो हम महाराज जयचंद को कभी भी हरा सकते हैं, परंतु कल जो हम करने वाले हैं वो इतिहास में लिखा जाएगा। और जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान के इस बदले को याद किया जाएगा। Ha 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 ha
आज हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज हमारा राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और आज भारतवर्ष के राज्यों के वीर राजा यहां हमारी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में बधा रहे हैं। हमारी पुत्री जिस वीर राजा को अपने योग्य समझेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। आओ पुत्री संयोगिता। देख, तेरी मामी आ गई। प्रणाम कर भाभी को। पहले वरमाला तो पढ़ने दे। वरमाला भी पड़ जाएगी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी जी, अब इनसे मिलिए। ये आपको अवश्य पसंद आएगा। खुंखार, तुझे छोड़कर वो बाकी राजाओं को क्यों देख रही है? किसी और को पसंद कर लिया तो? अरे लल्लू, वरमाला तो मेरे ही गले में पड़ेगी। ये तो क्या है कि बाकी राजाओं का मान रखने के लिए वो सबके पास जा रही है बस। इनके बारे में क्या विचार है? तुझे लग रही है कि वो तेरे ही गले में वरमाला डालेगी? और नहीं तो क्या, उसने अभी तक किसी भी राजा के गले में वरमाला डाली है क्या? बोल बोल, चुप क्यों हो गया? नहीं तो फिर संयोगिता, मैं ही जीता। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। इनमें से कोई भी पसंद नहीं? बात बन रही है। देख, मेरी तरफ देखकर कितने प्यार से मुस्कुरा रही है। ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूं, क्या करूं? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और मैं आंखें तब खोलूंगा जब वो वरमाला मेरे गले में डालेगी। कौन है ये जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है? एक ही तो है, खूंखार सिंह। राजकुमारी जी, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। परंतु खड़ा तो स्वयंवर के पंडाल में है ना? मैं जानना चाहती हूँ ये वीर हैं कौन? तुम्हारा होने वाला पति। ये दिल्ली के चौहान वंश के वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान हैं। इनकी वीरता के किस्से तो सारा भारतवर्ष जानता है। गजनी का शासक भी इनके नाम से कांपता है। यही है मेरे प्राणनाथ। अरे, उसने तो वरमाला डाल दी। जयचंद, आपने हमारा अपमान करने के लिए हमारी मूर्ति यहाँ खड़ी की थी, परंतु इसी राज्यसभा में आज आपका अपमान हो रहा है। आपकी बेटी ने वरमाला हमारी इस मूर्ति के गले में नहीं, हमारे गले में पहनाई है और अब मैं अपनी पत्नी को आप सबके सामने लेकर जा रहा हूँ। क्या? जिसे अपने जीवन का मोह ना हो वही मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करे। पृथ्वीराज, रुक जाओ, रोको उसे। वो तुम सबके होते हुए मेरी बेटी को लेकर जा रहा है। तुम सबके सब डरपोक हो, डरपोक। तुम सब अपने आप को शूरवीर कहते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, अपनी मान मर्यादा की नहीं। कल तक
वो सिर्फ तेरी भाभी थी, अब वो मेरी भी भाभी हो गई। रास्ते से हट जाओ। पृथ्वीराज को रोकेंगे, स्वयं। पृथ्वीराज, अब तेरी मौत निश्चित है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। महाराज योद्धा की जय। कैसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूं? 16 बार पृथ्वीराज मुझे शिकस्त दे चुका है, और कितनी बार हारूंगा उससे? कितनी बार? क्या मैं कभी दिल्ली नहीं जीत पाऊंगा? इसको देखो, बार बार गिर रही है और चढ़ रही है। ये भी मेरी तरह बार बार गिरती है, चढ़ती है। इस जरा सी मकड़ी की हिम्मत तो देखो, बेकार कोशिश कर रही है। ये जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? मैं पृथ्वीराज से अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। क्षमा करें महाराज, परंतु हम अकेले पृथ्वीराज की सेना का सामना नहीं कर सकते, और पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राजा नहीं जो पृथ्वीराज की सेना से लोहा ले सके। मैं सब जानता हूं। स्वयंवर में उन सब की ताकत की पहचान हो गई थी मुझे। डरपोक हैं सब के सब। परंतु एक राजा है जो हमारी सहायता कर सकता है, मोहम्मद गौरी। हमारी राजपूत सेना के साथ जब गौरी की सेना मिलकर लड़ेगी तो पृथ्वीराज की हार निश्चित है, निश्चित होगी उसकी हार। हम भी आपके अपमान का बदला लेना चाहते हैं, परंतु मैं मोहम्मद गौरी से सहायता लेने की सलाह आपको नहीं दूंगा। यहां आकर वो हमारी आपसी फूट का लाभ उठाएगा। वो न सिर्फ भारत को लूटेगा बल्कि अपने धर्म का भी खुलकर प्रचार करेगा। इस समय मुझे केवल पृथ्वीराज का अंत दिखाई दे रहा है। मैं अपने वंश पर लगे इस कलंक को पृथ्वीराज के लहू से मिटाऊंगा। महाराज, ऐसा करके आप अपनी ही बेटी को विधवा बना रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी को चिता में जलते हुए देख सकते हैं? जय सिंह, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं, एक राजपूत की मान मर्यादा किसी भी संबंध से ऊंची होती है। हम अपनी पुत्री के सुहाग को मारकर सही कर रहे हैं या नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं। इसके लिए इतिहास शायद हमें क्षमा कर दे, परंतु हमने अपने वंश पर लगे कलंक को पृथ्वीराज के लहू से साफ नहीं किया तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। जोधमल जी। महाराज, तुम इसी क्षण गजनी के लिए प्रस्थान करो और मोहम्मद गौरी को हमारा संदेश दो। महाराज जयचंद आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज पर आक्रमण कीजिए, हमारी सेना आपका पूरा पूरा साथ देगी। दिल्ली को जी भर कर लूटें और लूट की सारी दौलत आपकी होगी। अब आएगा हमें मजा शिकार करने का। अली मेरे प्यारे बद्रू, मैं किसी ऐसे वैसे जानवर का नहीं, दिल्ली के शेर पृथ्वीराज चौहान का शिकार करने जा रहा हूँ। 16 बार हार के मेरी नेक कटवा चुके हैं, अब 17वीं बार हार के क्या मेरी पूंछ कटवाएंगे?
मेरे जिगर के टुकड़े बद्रू, तुझे बद्रू महल चाहिए ना? इस बार मैं तेरे लिए बद्रू महल जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि इस बार मुझको पृथ्वीराज चौहान को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे भी तो बताइए कि इस बार आप पृथ्वीराज की मैया कैसे डुबाने वाले हैं? तो सुन बद्रू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हिंदुस्तान के राजाओं का गुस्सा उनकी नाक पर बैठा रहता है, इसीलिए वे कितने ही बलवान क्यों न हो, आपस में लड़ना कभी नहीं छोड़ते, और इसी फूट का फायदा मैं उठाऊंगा। जंगल में लोमड़ी और गजनी में घोड़ी से ज्यादा चालाक और कोई नहीं है। मेरे दुख सुख के साथी, इसे चालाकी नहीं, राजनीति कहते हैं। दिल है जिद्दी बच्चा, तू गुड़ियों की रानी है, मेरा दिल है जिद्दी बच्चा, तू गुड़ियों की रानी है, मेरी धड़कन थका मुसाफिर, तू एक छांव सुहानी है, मेरा दिल है जिद्दी बच्चा, तू गुड़ियों की रानी है, मेरी धड़कन थका मुसाफिर, तू एक छांव सुहानी है। दिल है जिद्दी बच्चा, तू गुड़ियों की रानी है। तन्हा पंथी तू मंजिल खुशहाली की, मेरा जीवन सूखी नदियां, तू झरनों की रवानी है, मेरी धड़कन थका मुसाफिर, तू एक छांव सुहानी है। उधर गजनी में मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। गौरी के साथ साथ उसकी सेना भी दिल्ली पर हमला करने के लिए बेचैन थी। गौरी ने आखिर उन्हें दिल्ली लूटने का हक जो दे दिया था। गौरी और उसकी सेना ने पूरे जोर शोर के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। कन्नौज में जयचंद ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद गौरी का स्वागत किया। जयचंद और गौरी की सेना ने मिलकर एक विशाल रूप ले लिया था। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक समुद्र दिल्ली को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। महाराज जयचंद और शहाबुद्दीन की सेना मिलकर आक्रमण करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। क्या ये जयचंद ने क्या कर दिया? सेनापति जी, आप सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। महाराज को इसकी सूचना इसी क्षण देनी चाहिए, परंतु उन्हें यह सूचना देगा कौन? जो भी महाराज के विश्राम में विघ्न डालता है, उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज को अब राज महल से बाहर लाने का समय आ गया है। मैं उसको पत्र द्वारा राष्ट्र के प्रति उसके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। जयचंद गौरी के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ चुका है। समय आ गया है
कि तुम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। पृथ्वीराज, ऐसा रहो कि इतिहास तुम्हें इस बात के लिए कभी क्षमा ना करे। अरे महाराज, अचानक आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या कहलवाया है गुरुजी ने? संयोगिता, प्रेम से भरे अपने इस छोटे से संसार में रहकर हम अपने कर्तव्य को भूल गए थे। गुरुजी ने हमें हमारा धर्म याद दिला दिया। महाराज जयचंद गौरी के साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें युद्ध की तैयारी करनी है। महाराज, जब बदले की भावना किसी इंसान के सर चढ़कर बोलने लगती है, तब उसे हर वो इंसान दोस्त लगने लगता है जो उसके बदले की भावना को पूरा करे। जयचंद ने भी अपनी आंखों पर बदले की पट्टी बांध ली है। ऐसे में उन्हें धर्म और राष्ट्र के भले बुरे की चिंता नहीं है। महाराज, जयचंद समझते हैं कि वो गौरी से हाथ मिलाकर पृथ्वीराज को हरा देंगे। वो शायद ये भूल रहे हैं कि पृथ्वीराज के बाजुओं में इतनी ताकत है कि वे दिल्ली की तरफ उठने वाले किसी भी हाथ को काट सकते हैं। आने दो उन दुश्मनों को। महाराज, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? संयोगिता, हमें लगता है कि इस बार की लड़ाई पिछली लड़ाइयों से ज्यादा घातक होगी। हमें इस बात की चिंता है कि अगर हम लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? महाराज, मैं एक वीर की पत्नी हूँ। शत्रुओं से डरना मैंने भी नहीं सीखा है। इससे पहले कि मेरे पिता या वो विदेशी गौरी मुझ तक पहुंचे, मैं सती हो जाऊंगी। यही हमारी परंपरा रही है और ये परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक शत्रु एक भारतीय नारी पर हाथ डालने की कोशिश समाप्त नहीं कर देता। संयोगिता, हमें तुम पर गर्व है। तुम जैसी हर भारतीय नारी पर गर्व है। इस संसार में हम ना भी रहें तो भी इतिहास हमारे प्रेम को सदा याद रखेगा। महाराज, सुना है हर इंसान का पुनर्जन्म होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मेरे स्वामी आप ही हों। आपके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपके लिए ये पत्र दे गया है। संयोगिता का पत्र? महाराज, अपने अपमान की आग को ठंडा करने के लिए आप जो करने जा रहे हैं, उससे सारे भारतवर्ष को दुख हुआ है और सबसे अधिक दुख मुझे हुआ है। अगर मेरे प्राणनाथ को कुछ हुआ तो आप मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। और एक बात ध्यान रखिएगा महाराज, जो राजा शत्रु से मिलकर अपने ही देश को लूटता है, उसे मैं तो क्या, आने वाला भविष्य भी कभी क्षमा नहीं करेगा।
एक सैनिक शत्रु के 10-10 सैनिकों को मारेगा। आगे बढ़ो।
बड़ा आया था पृथ्वीराज को बचाने के लिए। जंजीरों में जकड़कर इस पृथ्वीराज को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अब बोलो पृथ्वीराज। ओ गलती हो गई, दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? हाँ वही जो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए खतरनाक होता है। तुम्हारी परंपरा मुआफ करने की है। लेकिन हमारे यहां दुश्मन का नामो निशान मिटाने का हुक्म होता है। गौरी क्या तुम्हारे यहां खुदा के नाम पर झूठा वचन देने का भी हुक्म है, जो तुमने मुझे वचन देकर भी दिल्ली पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज, इसे राजनीति कहते हैं, जो तुम्हारे जैसे राजाओं के साथ खेली जाती है। हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो। तुम्हारी गुलामी कबूल करने से तो अच्छा होगा कि मैं मौत को गले लगा लूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन यह नहीं। गजनी में, गजनी की जनता भी तो देखे कि हमने भारत के शेर का शिकार किया है, और इतने खतरनाक शेर को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम मुझे देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, ताकि सारी दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देख सके। लेकिन अफसोस, सिर्फ तुम अपनी मौत को आते नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे। शहाबुद्दीन गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ और दिल्ली की राजगद्दी हमें दे दो। क्यों नहीं जयचंद मेरे दोस्त, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज पृथ्वीराज को हरा नहीं पाता। तुम्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। क्या ये क्या कर रहे हो? ये शहाबुद्दीन, ये क्या, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? कल तक तुम कन्नौज के राजा थे, लेकिन आज मेरे कैदी हो। जो राजा अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़कर उनका खून बहा सकता है, वो राजा नहीं एक गद्दार होता है। जो आज अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर सकता है, वो कल हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। सिपाहियों, इसका गला काटकर दिल्ली के चौराहे पर लटका दिया जाए और उसके नीचे लिख दिया जाए, ये है भारतवर्ष का गद्दार जयचंद, जिसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा और अपने मुल्क को गुलामी के अंधेरे में धकेल दिया। ले जाओ इसे। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे, तूने मुझे धोखा दिया है। तू जानता नहीं तू किसके साथ गद्दारी कर रहा है। याद रख, अब तेरा भी समय आ गया है। नष्ट कर दूंगा मैं तुझे, मिटा दूंगा। शहाबुद्दीन, छोड़ दे मुझे, तूने धोखा दिया है मुझे, गद्दार। ऐसा कैसे? Thank you.
दिल्ली को लूट लो। शाबाश शाबाश सिपाहियों, लूट लो। दिल्ली हमारी है। मैंने दुष्ट गौरी को 16 बार माफ किया, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब भी अगर मुझे एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा। गजनी वासियों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारतवर्ष को हमारी सेना लूट कर वापस आई है। इस बेशुमार दौलत से हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा। हथकड़ियों में जकड़ा ये कैदी है दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने हमारी सेना को जंग में 16 बार शिकस्त दी, 16 बार। लेकिन आज ये हमारे सामने एक अंधा कैदी बनकर खड़ा है। जल्द ही सबके सामने इसे सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत। जय चंद को तो अपनी करनी की सजा मिलनी ही थी, परंतु गौरी महाराज पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया। इस आक्रमण के बाद हमारे देश को भी संभलने में समय लगेगा। ऐसे में शहाबुद्दीन फिर से भारतवर्ष पर आक्रमण कर सकता है और वो महाराज को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं, महाराज को मौत की सजा देने से पहले शहाबुद्दीन को अपनी मौत का सामना करना होगा। गुरुजी, आप मुझे गजनी जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर की कृपा रही तो शहाबुद्दीन गौरी की मौत की सूचना आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। गौरी को नए नए करतब देखने का शौक है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। महाराज पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शब्द भेदी बाण चलाने की कला सीखी है। हाँ, यही ठीक रहेगा, किसी तरह गौरी के सामने महाराज की ये कला दिखाने का मौका मिल जाए। इसके बाद गौरी को कोई नहीं बचा पाएगा, यही आखिरी मौका है बदला लेने का। आपने भले ही पृथ्वीराज को हरा दिया, परंतु आपने अभी उनका एक कर्तव्य तो देखा ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं, और उनका तीर ठीक निशाने पे जाकर लगेगा। नामुमकिन। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज की मौत से पहले हम उसका ये हुनर भी देख लेंगे, और अगर उसका निशाना चूक गया तो याद रखो, पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस कला को दिखाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं? आज्ञा है। सिपाही, इसे पृथ्वीराज के पास ले जाओ।
फिर महाराज उस तवे पर बाण चलाने के बजाय आप शहाबुद्दीन पर चला दीजिएगा और इस तरह उसे मारकर आप अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। परंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि शहाबुद्दीन कहां बैठा है? वो आपको बाण चलाने का हुक्म देगा। सबके सामने मैं आपको बता दूंगा कि शहाबुद्दीन कहां बैठा है। परंतु इसके बाद गौरी की सेना हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगी। महाराज मैंने इसका भी उपाय सोच लिया है। मैंने महाराज पृथ्वीराज को आपके सामने अपने निशाने का प्रदर्शन करने के लिए तैयार कर लिया है। वे भरी सभा में एक तवे के ऊपर निशाना लगाएंगे जिस पर आपका एक सैनिक वार करेगा। तवे से निकली आवाज को सुनकर पृथ्वीराज तीर चलाएंगे, परंतु वे एक महाराज हैं इसलिए तीर चलाने का हुक्म किसी और को नहीं स्वयं आपको देना होगा। मंजूर है। सारा गजनी देखेगा कि पृथ्वीराज का निशाना कितना पक्का है। लो हो जाओ सावधान, अब आपको मिल गई कमान। अब निशाना बांध कर लगाओ ऐसा, पहले सुनो कि कहां है तवे का शैतान बैठा। चार बांस और 24 गज ऊपर है, 8 अंगुली की ऊंचाई पर सजा है। चूके ना निशाना तेरा तभी मजा है, इस पापी की यही बड़ी सजा है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। पृथ्वीराज निशाना लगाओ, लगाओ निशाना, चलाओ बाण। बाण चलाओ, चलाओ बाण। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। जान जल्दी करो। मुझे क्षमा करना महाराज। धोखा, आज तक मैंने दुनिया को धोखा दिया है, आज गौरी को पृथ्वीराज ने धोखा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे हो गया ये? मैं मर रहा हूँ बद्रू। नामुराद, कमबख्त, मेरी जान बचाने के बजाय तुझे मेरी दौलत की पड़ी है। हुजूर, निशाना पक्का है, अब हम बच नहीं सकते। त,
सिपाहियों, जान से मार दो इस उल्लू के पट्टे को। बचाओ! मेरा गजनी। पृथ्वीराज, तुमने मुझे जान से मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मर के भी नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? मुझे ले जाने आए हैं बद्रू। सिपाहियों, अरे कोई है? कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? सूरज करे
करे सलाम, जिसको चंदा करे सलाम, जिसका हर कण सोना और पर्वत हीरे की खान। ये है हिंदुस्तान हमारा, ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा, ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा। For more movies, subscribe to Prime Movies Channel.